कोरोना का आगाज कहाँ से हुआ? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ से कोरोना का आगाज हुआ, ठीक हो गया। नून लीग की नेचुरल कौन है? काकी। नून लीग की जी, उनकी हरकतें भी ऐसी। चौधरी निसार पीटीआई में शामिल हो गए हैं? हाँ हो गए हैं। अच्छा, इसी वजह से उन्होंने वो लिया है? जी, ओथ लिया है। ओथ लिया, अच्छा ठीक है, पीटीआई में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवालनामा, और आज हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर पंजाब असेंबली जनाब सबरीना जावेद साहिबा। बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए आप आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, सवाल मुश्किल हो सकते हैं, आप तैयार हैं? कोई बात नहीं। चलें आसान से शुरू करते हैं। ठीक है। आसान ये है कि आप हमें ये बताएं कि आपने अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ कब किया, कहाँ से किया और कहाँ तक पढ़ी आप? ये तो बहुत ही पुरानी बात है। अच्छा। मेरे फादर एक्चुअली आर्मी में थे, तो साउथ वज़ीरिस्तान में उनकी पोस्टिंग थी। अच्छा। तो हमने मैंने मतलब बिल्कुल जो इनिशियल अपना है नर्सरी वगैरह उस ज़माने में, तो मैंने वहाँ रेंजर्स में थे तो वहाँ से स्टार्ट किया था जी। और फिर आप ने प्राइमरी सेकेंडरी और हायर बस जहाँ जहाँ पोस्टिंग्स रही मेरे फादर की, वहाँ से हमने मतलब जो हमारे स्कूल्स होते थे, अब आर्मी पब्लिक बने तो अब पब्लिक स्कूल्स ही हुआ करते थे, तो बस जहाँ जहाँ पोस्टिंग थी वहाँ वहाँ हम लोगों ने एजुकेशन हासिल की। उस ज़माने में तो आर्मी ऑफिसर्स के बच्चों की एजुकेशन बहुत ही ख़राब होती थी, एंड टर्म पे जाके पोस्टिंग आ जाती थी, तो ज़ाहिर हमने सफ़र किया भाई। तो आपको पेपर जी, देना पड़ने और जी, तो शुरू में क्लास फेलोज जब चेंज होते थे और वो सारा माहौल जैसे चेंज होता स्कूलिंग, तो वो कैसे मैनेज कैसे करते थे? वो बड़ी याद आती होती है छोटे होते तो। हाँ वो तो है, लेकिन मैं बहुत डिफरेंट टॉकेटिव और नॉटी थी, तो इसलिए मुझे कोई मुश्किल नहीं होती थी। अच्छा। फ्रेंड्स में जल्दी बना लेती थी। अच्छा, और इवन अभी भी, अब तो खैर पार्टी में भी फ्रेंड्स हैं। पार्टी में फ्रेंड्स नहीं हैं, कोलीग्स हैं। अच्छा। अब चेंज हो गई हूँ। अच्छा अच्छा, तो वैसे जो सबसे अच्छे दोस्त हैं आपके पीटीआई में वो कौन है? देखें पीटीआई में फ्रेंड्स तो नहीं, कोलीग्स करके मैं चलती हूँ। अच्छा। फ्रेंड्स मेरी दो ही हैं, तायरा फरिया, तुम लोग भी सुन लो, बहुत पुरानी मेरी, मेरा ख्याल है मोर देन 35 इयर्स हो गए इनके साथ दोस्ती को, तो बस फ्रेंड्स मेरी दो ही हैं जी। उसके बाद सारे कोलीग्स आए, बस कोलीग्स की तरह। सियासत में किस तरह से आए, कोई प्लान्ड था या एकदम से किसी तरफ से आया कि यार ये कर लो सियासत में, या कोई ख़ानदानी विरासत में जैसे हमें मिल जाती है बाज़ लोगों को सियासत, तो ऐसा कोई था या बस खुद आई इंटेंशनली या मतलब? मैं इंटेंशनली आई हूँ उसमें। जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन किया है, मेरे नाना पार्टीशन से पहले जो थे वो पॉलिटिक्स में थे, और जब पार्टीशन हुआ तो वो फाइनेंस सेक्रेटरी बने आज़ाद जम्मू कश्मीर के। फिर मेरे एक मामू थे शेख खालिद महमूद, वो भी इसी तहरीक के में हिस्सा, उनने बहुत कंट्रीब्यूशन की। फिर मेरे सूसर कर्नल अनायत अपने इलाके के बहुत बहुत ज़्यादा गुड फेम रखते हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लिया, अनफॉर्चुनेटली कोई इलेक्शन नहीं जीत पाए, बट सोशल वेलफेयर में वो बढ़ चढ़ के अपने लोगों की खिदमत करते रहे। मैं समझती हूँ कि लोग शायद उन्हीं की वजह से मुझे मतलब इज़्ज़त देते हैं और उनकी खिदमात को याद रखते हैं रखते हुए, लेकिन मेरा पॉलिटिक्स में आना हकीकतन बिल्कुल ही इत्तफाक़ किया था। अच्छा अच्छा जी। हमारे किसी ज़माने में जब इलेक्शन हुए, तो ये मैं 90s की बात कर रही हूँ, जब परवेज मुशर्रफ का दौर था और उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किए, और ये जो सारा इलेक्शन में उनको हिस्सा दिया खवातीन को, तो उसमें हमारे गांव में इलेक्शन हुए, मैं तो अपना वोट भी डालने नहीं गई थी, लेकिन जब लोगों ने कहा किसी वजह से, जैसे पोलिंग बूथ्स पर लड़ाई हो जाती है और वोटिंग और पोलिंग रुक गई, फिर वहाँ के लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि बाजी जो है ना ये सीट लड़ें, जनरल मतलब काउंसलर की जो सीट है वो लड़ें। तो मुझे आके मेरे हस्बैंड ने कहा, तो मैंने कहा कि मुझे तो एबीसी नहीं आती। अच्छा। ज़ाहिर है बैकग्राउंड डिफरेंट था, तो खैर बहरहाल लोगों के इसरार पे मैंने कुछ भी नहीं उसमें किया, बस जलसे वलसे भी ऐसा सच नहीं किए।
लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने नाज़िम से ज़्यादा मैंने वोट लिए जी। तो बस वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर पीपल्स पार्टी से भी मुझे बड़ी ऑफर्स आईं, लेकिन मैंने डिसाइड फिर फाइनली पीटीआई को किया और मुझे इसमें बहुत अरसा हो। तो पीटीआई में किससे इंस्पायर थी, इमरान खान साहब से या कोई इनके एजेंडे से या किस तरह से? इनकी हार्ड वर्क, इनका जो है इनकी आला ज़र्फ़ी, इनकी खुदा तरसी, इनकी सोच जो अपने पाकिस्तान में गरीब लोगों को रिलीफ देना करप्शन के ख़िलाफ़, और ऑब्वियसली इमरान खान की सारी तहरीक से इम्प्रेस होकर तो मैंने ज्वाइन की थी। मैडम आप एक कमेटी का हिस्सा हैं पीटीआई की, जो कि जो पार्टी के अंदर बेजाबतगियाँ हैं उन पे नज़र रखती हैं। हाँ जी। तो कौन कौन बेजाबतगियाँ कर रहे हैं? देखें जी, हमारी पार्टी में ऑनेस्टली कोई भी नहीं बचता, आप देख ही रहे हैं। तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट डिप्टी कोऑर्डिनेटर का ओहदा है नॉर्थ पंजाब का, उसमें हम अवेल्युएशन और मॉनिटरिंग में करती हूँ, और उसकी रिपोर्ट जो है MNA हमारी जो नफीसा खट्टक है उनको देती हूँ, फिर जनरल सेक्रेटरी जो हमारे आमिर कियानी साहब हैं उनके पास जाती है। और मतलब जो विद इन द पार्टी हमारी जो झगड़े कोई मसले मसाइल और ऐसी चीज़ें हैं उनकी हिडन रिपोर्ट के लिए, फिर हमने हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी कोऑर्डिनेटर्स बनाई हुई हैं, वो मीटिंग अटेंड करती हैं और फिर वो जो रिपोर्ट अपने हिसाब से बनाती हैं फिर वो मुझे भेजती हैं, और हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक किस्म की जिसे इसमें कोई रियायत नहीं है पूरी रिपोर्ट हम बहुत अच्छी बना के और फिर देते हैं। इसमें मॉनिटरिंग तो फिर आपको पता है बड़ी टफ जॉब है और उसमें फिर ऑनेस्टली काम करना पड़ता है जी। तो जो पीटीआई के वो लोग हैं जो जमात के आगाज़ से साथ चल रहे हैं उनके बारे में तो चलें बहुत से लोग कहते हैं कि वो बेजाबतगियाँ नहीं करते, लेकिन जो लोग बाद में पार्टी में शामिल हुए हैं, जो नून लीग से आए, जो पीपल पार्टी से आए, क्या वो भी बिल्कुल करप्शन फ्री, या उनका जो पिछला रिकॉर्ड है उसको कोई मद्देनज़र रखा जाता है या कुछ इस तरह से है, या बस जब से वो पीटीआई में आए हैं तब से आपकी ज़िम्मेदारी है, उससे पीछे कोई ज़िम्मेदारी? देखिए, जो पीटीआई को ज्वाइन करता है वो यकीनन खान साहब से इंस्पायर होकर इस तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मंशूर को समझ बूझ के ज्वाइन करता है ना। तो हम बहुत दफ़ा सुनते हैं कि जी इस दर से ले लिए, इधर से ले लिए, जब आप एक जगह आते हैं तो पीछे की कश्तियां जला के आते हैं, आप उसी सिस्टम का हिस्सा बनते हैं और उसी को लेकर चलते हैं जो आपने जिस को ज्वाइन किया होता है, तहरीक हो या कोई और कमिटमेंट हो। तो वो जहाँ होता है हमारी चेक एंड बैलेंस हमारा बड़ा स्ट्रिक्ट है और पता चलता रहता है, लेकिन टाइम से फिर आपको पता है कि निकल आएंगे जी। जी अच्छा जी, हम अच्छा मुझे ये बताएं कि फौजी घराना है आपका जी। आपके तकरीबन जो बड़े हैं वो सारे फौज में हैं किसी न किसी तरह से, तो हमारे यहाँ एक तासुर पाया जाता है कि फौज से अच्छा ताल्लुक होना इलेक्शन जीतने में मदद देता है, तो आपको कोई मदद मिली है या बस ये र्यूमर ही होते हैं? जी मुझे मदद क्या मिलेगी, मेरा तो इतना लंबा सफ़र है पीटीआई में एज अ वर्कर, और मेरे आपको इसमें ये एक मिसाल देती हूँ कि मेरा 31 नंबर पे रिज़र्व सीट पे नाम था। अच्छा, अच्छा। तो अगर मुझे फ़ौज ने सपोर्ट करना होता या किसी और ने तो मेरा ख्याल है टॉप 10 में मेरा होता। तो फ़ौज किस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट काम नहीं करती, पूरे वर्ल्ड में ऐसा है, लेकिन पाकिस्तान में अगर एक पार्टी नून के हक़ में वो कर दे तो वाह वाह है, और जब पीटीआई के लिए कुछ करे या मुल्क के लिए कुछ करे उनके टेन्योर में, हमारे पीटीआई के टेन्योर में, तो वो गलत है। तो ये तो नाइंसाफी है। पार्टी बेस्ड आप कह रहे हैं कि ये सारे रूमर्स होते हैं? जी जी, ऐसा कुछ नहीं है, और मेरा ख्याल है कि हमें इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा होता है। कौन सा, अमेरिका को आप देख लें, कनाडा को देख लें, तो क्या ये सब होता है? तो ये तो इट्स बट ऑब्वियस जी। बुज़दार साहब की हुकूमत का हिस्सा हैं आप जी, शहबाज शरीफ की हुकूमत को आपने एज एन ऑब्जर्वर देखा जी, क्या फ़र्क पाती हैं बुज़दार साहब, कहाँ पे बेहतर हैं कहाँ पे कम हैं शहबाज शरीफ साहब से कंपैरेटिवली? बुज़दार साहब का ये है कि काम उन्होंने बहुत किए हैं, पीटीआई का अलमिया ये है कि हमने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं लेकिन हमने प्रोजेक्शन नहीं दी, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना सोच विचार का है कि हमें अपने कामों को अब हाईलाइट करने का टाइम आ गया।
तो बुज़दार साहब काम कर रहे हैं, प्रोजेक्शन नहीं कर रहे हैं। मुझे ख़ुद इस चीज़ से है कि हमें भी बहुत ज़्यादा फंड गवर्नमेंट के लगा के और टीवी पे और मीडिया और इधर सोशल मीडिया और बैनर्स पे पैसा खर्च करके बल्कि ज़ाया करके अपनी काम को प्रोजेक्शन देनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझती हूँ वही पैसा हम आवाम के ऊपर लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने काम बहुत किए लेकिन वो लाहौर की हद तक किए। पंजाब में लाहौर बहुत खूबसूरत था, फूल और दरख्त और ये सब चीज़ें बहुत थी, लेकिन जो उन्होंने काम किए उसको मॉर्गेज करा दिया। तो सारी चीज़ें हैं हमारे साथ, मतलब लेकिन हमारी गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी बात है, हम इतने आला ज़र्फ़ हैं कि हमने उनके शुरू हुए हुए प्रोजेक्ट्स को बंद नहीं किया बल्कि हम आवाम के लिए उनको चलते रहने दिया बल्कि कंप्लीट किया हमने। मतलब आपका ख्याल ये है कि एडवर्टीजमेंट पे अगर आप काम करें तो बहुत पैसा ज़ाया होता है। पैसा ज़ाया होता है जी, लेकिन अगर आप काम करें तो पिछली हुकूमत से ज़्यादा काम किया है पीटीए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया, उनने भी किया होगा, अच्छे जिन जो काम है उनके हैं, लेकिन हम लोग ऐसे बायस नहीं हैं कि जी जो उनके दौर में काम स्टार्ट हुए हुए थे तो हम वो बंद कर दें या हम उससे वो कर दें। हम खान साहब लेके चल रहे हैं, हमारी पंजाब गवर्नमेंट, उस्मान बुज़दार साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गो कि उनकी पर्सनैलिटी सिंपल सी है तो वो ये शायद समझते हैं लोग कि वो काम नहीं करते या करना जानते नहीं हैं, जब तक वो हैं और अच्छा काम करते रहेंगे तो वो रहेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी झेलम, आपका हल्का जी, वहाँ पे आपने कोई ऐसा काम किया हो जो पहले नहीं हुआ? मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया है, अल्लाह का शुक्र है, और वहाँ के लोग मुझे एक्नॉलेज करते हैं मेरे काम को और बहुत बहुत इज्जत करते हैं। मैंने अब क्या मतलब गिनती तो खैर क्या नहीं कर सकती, रोड्स का किया है, फिर और उस्मान बुज़दार साहब ने हमेशा मेरी बात सुनी है बल्कि सबकी सुनते हैं वो, तो फ़ंड दिया उन्होंने और फैसिलिटेट किया हमें ज़िले की गवर्नमेंट ने, फिर पानी के उसमें मद में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया और कुछ अपने से भी कराया। फिर एक हमारा डुमेली का रेलवे स्टेशन था, वो गोरों के बड़ा पुराना रुका हुआ जी जी, तो वो अब एप्लीकेशंस देके मैं असल में ना जो मुझे सक्सेस मिली है सिटीज़न पोर्टल से मिली है। अच्छा। वो हमारा पीटीआई का जो एक बेहतरीन सोर्स है, आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो हमारा कितना अच्छा सोर्स है, और वो खान साहब ख़ुद भी देखते हैं, और मेरी कामयाबी जो अपने इलाके में कामों का वो सिटीज़न पोर्टल के ज़रिए जब मेरी नहीं सुनवाई होती थी, इवन नाउ मैं उस पर डाल देती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम होता है। अभी भी 7 ऐसी एप्लीकेशंस जो हैं खान साहब ने फिर जो किसी वजह से उन लोगों ने पसे पुश डाल दी थी, दोबारा उनको रीओपन कराया है। आई एम सो वेरी ग्रेटफुल, और कर रहे हैं काम इंशाल्लाह, अब नज़र आएगा आपको जब अभी। तो मैडम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जी। नाज़रीन अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पसंदीदा। इसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में मैडम की पसंदीदगी के बारे में पूछेंगे। मैडम आप तैयार हैं जी? अच्छा मैडम, आपका पसंदीदा नाम? मेरा नाम, मुझे अपना नाम बहुत पसंद है। अच्छा, आपको अपना नाम, इसका क्या मतलब है? ये एक इटालियन नाम है। अच्छा। और मेरे फादर ने रखा था, और इसमें मेरी खाला को भी ये नाम बहुत पसंद था, तो बस। अच्छा, मतलब ये मतलब और अरबी की वर्ड नहीं है जिसमें हाँ, हम सबर से रिलेवेंट कोई चीज़ नहीं है? नहीं, वो अगर स्वाद से लिखा जाता तो सबर, जब मेरा दिल होता है सबर करने का तो मैं स्वाद से लिख देती हूँ, उससे मुझे सबर आ जाता है। तो ये सबरीना सीन वाला है? जी सीन वाला, या से वाला? सीन वाला, सीन वाला, ठीक है। जगह? जगह मुझे जो नेचर से करीब हो, फॉर एग्जाम्पल वो बहुत पसंद है। वैसे जो टॉप मोस्ट है वो तो मक्का मदीना है, मेरी हर वक्त प्रायोरिटी होती है कि बार बार वहाँ जाऊँ। और खाना? खाना देसी, देसी कश्मीरी, कश्मीरी जी, कश्मीरी जी, वो तो नवाज शरीफ वाला कश्मीरी या वो जो? नहीं, हमारे वाला कश्मीरी जी। अच्छा, खेल? मुझे हॉकी, हॉकी पसंद है। इमरान खान नहीं पसंद? भाई इमरान खान तो है ही है, उसके तो साथ हैं। क्रिकेट नहीं? नहीं, क्रिकेट है, जब इमरान खान खेलता था तब पसंद था, और हम लोग
रावलपिंडी वो जो पिंडी क्लब का ग्राउंड में उनके मैचेस हुआ करते थे और सीबी कॉलेज से जाके हम सामने ग्राउंड में बैठते थे और हम मैचेस देखा करते थे। साहब भी खेलते थे फर्स्ट क्लास में। मैंने तो खैर मैंने नहीं देखा। अच्छा नहीं देखा। ये बुरा वक्त मैंने नहीं देखा। अच्छा अच्छा फिल्म फिल्म पाकिस्तानी तो खैर ऐसा कुछ नहीं क्योंकि देखा करते थे। अब तो मैंने पक्का बैन लगाया जब से हम लोगों ने मामला हुआ। हाँ बिल्कुल ना मैं सॉन्ग सुनती हूँ बल्कि मैं बहुत शौकीन थी म्यूज़िक की और बिल्कुल मैंने बायकॉट किया हुआ है और मैं मूवीज़ भी नहीं देखती। वैसे जब देखते थे तब कौन सी फिल्म? तब मुझे लम्हे बहुत पसंद थी और ये इतना अचानक क्वेश्चन है, मुझे सिलसिला मूवी बहुत पसंद। जी ये किन की थी? ये अमिताभ और रेखा की थी सिलसिला। और लम्हे उसकी अनिल कपूर और जो हमारी भी ये डेथ हुई है एक हमारी बड़ी अच्छी बहुत ही पाकिस्तानी थी जो नहीं नहीं इंडिया की वो थी जिनकी अभी डेथ जिनकी बहुत मोटी हाँ बहुत खूबसूरत मोटी आंखों वाली। जी जी अच्छा एक्टर एक्टर इधर का कोई भी मुझे वही दूंगा वही मुराद सब जी खूबसूरती की वजह से या एक्टिंग की वजह से बस हमारे दौर के हैं तो। अच्छा जी मस्कला पहले तो अब कोई ऐसा चरा नहीं है फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा। लेकिन ये है कि मैं ऐसा कुछ नहीं अभी तो जब बैठते हैं तो सोच में भी पॉलिटिक्स होती है और जिसे कहते हैं अब मशगला नहीं कोई भी रहा। फुर्सत भी तो मशगला हो सकती है। हाँ मुझे सुकून से बैठना अकेले में बहुत पसंद है। अच्छा जी अकेले में बैठ के सोचती हैं कि अब सियासत कैसे करें? नहीं वो बस सुकून। अच्छा ठीक है कुछ भी नहीं सोच। हाँ जी किताब इश्फाक अहमद की मुझे। कौन सी? ज़ाबिया के सारे जी। अच्छा अच्छा ठीक है। सियासतदान? इमरान खान। बस इमरान खान। अच्छा प्रोफेशन मौजूदा के अलावा? मुझे आर्मी पसंद फोर्सेस पसंद है मुझे जी। अच्छा कोई फायरिंग शेयरिंग का है तजुर्बा? नहीं नहीं है। मेरे वालिद ने दो वॉर्स थी 1965 में थे। अच्छा। 71 में थे और मेरा बेटा भी माशाल्लाह आर्मी में कर्नल है और वो भी लद्दाख में वज़ीरिस्तान रहा हुआ है। तो बस मेरा हम लोगों का जिसे कहते हैं ना यही एक प्रोफेशन हमें जो है ठीक हो गया। नाज़रीन अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है हाँ या ना। इसमें जिस सवाल का जवाब हाँ में होगा मैडम ना बोलेंगी जबकि जिस सवाल का जवाब ना होगा मैडम हाँ बोलेंगी। एक जमा एक दो होते हैं? नहीं सर नहीं होते फिर छः सात होते होंगे। अच्छा श्रीलंका पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है? हाँ। अच्छा श्रीलंका को शिफ्ट कर लिया हमने चले खरीद लिया होगा कोई 150-200। बिलावल भुट्टो को सियासत में आप लाई? हाँ आप लाई। हाँ अच्छा वो मरूसी सियासत नहीं कर रहे वो पीटीआई के लाए हुए हैं। अच्छा ठीक है। बिलावल चौधरी निसार पीटीआई में शामिल हो गए हैं? हाँ हो गए हैं। हाँ जी। अच्छा इसी वजह से उन्होंने वो लिया है जी ओथ लिया है। ओथ लिया। अच्छा ठीक है पीटीआई में। आपको इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया? हाँ। अच्छा आप एस्टेब्लिशमेंट के? जी बिल्कुल। ठीक है। लंदन फ्लैट्स में आपका भी हिस्सा है? नहीं मतलब है नहीं मतलब आपका हिस्सा है? आपने कहा आपका हिस्सा है तो मैंने कहा नहीं। तो इसका मतलब आपका हिस्सा है? हाँ हाँ है आपका हिस्सा है लंदन फ्लैट्स। ठीक है। अगली हुकूमत पीटीआई की है? नहीं। अच्छा खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता। ठीक मतलब अगली हुकूमत है पीटीआई की आपके मुताबिक। हाँ ठीक है। अच्छा मैडम नाज़रीन बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है पहला बाद में। इसमें हम मैडम से जो सवाल पहले नंबर पे करेंगे उसका जवाब ये दूसरे नंबर पे देंगी जबकि तीसरे वाले का जवाब दूसरे नंबर पे देंगी। यानी पहला सवाल स्किप किया जाएगा दूसरे का जवाब वो होगा जो पहले का है और तीसरे का वो जो दूसरे का। तो मैडम आप तैयार हैं? जी। सबसे पहले ये बताएं कि पनामा लीक्स की वजह से किससे वजारत उज़्मा छीनी गई? स्किप। कोरोना का आगाज कहाँ से हुआ? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ से कोरोना का आगाज हुआ। ठीक हो गया। आप इलेक्शन कहाँ से जीती? चाइना। चाइना से इलेक्शन जीती आप?
अच्छा, चाइना से इलेक्शन जीती है, बड़ा मतलब मुश्किल इलेक्शन हो गया होगा वहाँ पे, तो आप जो रैलियाँ करती होंगी, रैलियाँ जो करती होंगी वहाँ पे चाइनीज बोलती होंगी ये ट्यूंग। अच्छा ठीक, सिंध के वजीर आला कौन है? झेलम। झेलम सिंध के वजीर आला है जी। ठीक है, ये तो मुश्किल हो गया। पहलवानों का शहर कौन सा है? मुराद अली शाह। ऐसे ही बोला था ना आपने तो। वजीर आला नहीं रहे, नहीं, वो पहलवानों के शहर हो गए, वो पहलवान बन गए। ठीक है, कार है। अच्छा, पाकिस्तान का कौमी खेल? गुजरांवाला। गुजरांवाला पाकिस्तान का कौमी खेल हो गया, अब वो शहर नहीं रहा। अच्छा ठीक। काका का मोनस क्या? हॉकी। हॉकी काका का मोनस है, ये खेल नहीं रहा, ये मोनस होगी, मोनस। नून लीग की नायब सदर कौन है? काकी। नून लीग की जी, उनकी हरकतें भी ऐसी हैं। अगले वज़ीर आज़म कौन है? खुदा ना खास्ता, आपने नायब सदर वाली बात की है तो मैं कुछ नहीं इस पर कमेंट करना चाहती, प्लीज नेक्स्ट। नहीं मतलब अगला वज़ीर आज़म जो है वो तो हमारे ही होंगे इंशाल्लाह। कौन होंगे? इमरान खान। इमरान खान सर। अच्छा ठीक है, नून लीग की नायब सदर भी इमरान खान की है। मैं उसका बस आप नेक्स्ट लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बस खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का, बड़ा मज़ा आया, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, मुश्किल सवाल थे लेकिन आपने बड़ी खूबसूरती से उनके जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया आपने इतना वक्त निकाला और इतने वो लंबे सौड़े सवालों के, मुश्किल सवालों के जवाब दिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ, अगले सवालनामे में एक नई सेलिब्रिटी, एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए देखते रहें बागी टीवी।